नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। मेक इन इंडिया के अभियान में योगदान देने का मुख्य उद्देश्य 5 जनवरी से इंजीनियरिंग एक्सपो का अहमदाबाद में आयोजन किया गया है। भारत सरकार की पहल में मेक इन इंडिया, इंडिया फर्स्ट, डिजिटल इंडिया और ब्रांड इंडिया को अहमदाबाद में 5, 6 और 7 जनवरी 2019 को AES मैदान में भारत सरकार को महत्वपूर्ण योगदान देने और वैश्विक स्तर पर देश में उद्योग के लिए उपलब्ध विशाल अवसरों को प्राप्त करने और उनकी क्षमताओं का विस्तार करने में मदद करने का उद्देश्य है। 3 दिवसीय एनजी एक्सपो के 4th संस्करण का आयोजन किया गया है। देश विदेश से 325 से अधिक प्रदर्शक प्रतिभागी भाग लेंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह परियार है, मैं एनजी एक्सपो के अंदर पार्टनर हूँ। और एनजी एक्सपो एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन है जिसके अंदर इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी इंजीनियरिंग सेगमेंट के सारे लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और एनजी एक्सपो में पार्टिसिपेट करने से उनका जो बिजनेस है वो डे बाय डे ग्रो हो रहा है। और इंडस्ट्री के रिलेटेड जैसे कि अपने इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरर है, डीलर है या फिर जो सप्लायर्स है, वो अपनी प्रेजेंटेशन एनजी एक्सपो में रख सकते हैं। ये एनजी एक्सपो ये हमारा एक ये अभी 4th एग्जीबिशन होगा जो 5, 6, 7 एस ग्राउंड हेलमेट सर्कल पे होने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 एक्सपो किए जो उसका भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला। अभी नेक्स्ट अहमदाबाद के बाद में हमारा अपकमिंग राजकोट के अंदर एक प्रोजेक्ट आने वाला है जो कि 22 से 25 दिसंबर के दिसंबर 2019 के अंदर होगा NSSE ग्राउंड के अंदर। और इसके बाद फरवरी के अंदर हम वापस एक एनजी एक्सपो का 6th वर्जन जो है वो बड़ौदा में ला रहे हैं। सर इस बार मतलब ऑलमोस्ट 300+ पार्टिसिपेंट्स है जिसके अंदर गुजरात से भी है और इंडिया से भी है। मतलब इंडिया के सबके बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर सब जगह से मतलब पार्टिसिपेंट्स भाग ले रहे हैं। दिल्ली से भी काफी लोग आ रहे हैं। और इस बार इसके अंदर बड़ी खासियत ये है कि मशीन टूल्स का जो हमारा डोम है जो कि बहुत ही बड़ा डोम है और इसके अंदर करीबन 70 के आसपास पार्टीज है जो मतलब ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं। और एक जगह पे इतनी पार्टी इकट्ठा होना एक बहुत बड़ी अपने आप में कामयाबी है हमारी। और इसके अलावा बाकी जैसे वेइंग है तो वेइंग हमारा इंडिया का बिगेस्ट, इंडिया तो मतलब एशिया का बिगेस्ट बोलो तो भी चलेगी। जो वेइंग सेक्शन के अंदर इतने सारे लोग कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलते। जो जितने भी इंडिया से वेइंग के मैन्युफैक्चरर लोग हैं वो सारे के सारे अपने एनजी एक्सपो के अंदर अपना प्रेजेंटेशन रखते हैं। तो ओवरऑल मतलब देखें तो एक इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी सेगमेंट रहते हैं जैसे कि वेइंग, कटिंग, वेल्डिंग, पावर टू हैंड टूल, मटेरियल हैंडलिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ साथ में आईटी और बिजनेस में हमने डोम रखे हुए जिससे कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सब लोगों को उसका पूरा पूरा बेनिफिट मिल सके। और मैक्सिमम विजिटर्स फुटफॉल होते हैं यहाँ पर। लास्ट ईयर की बात करूँ तो मैं 20 से 25 फुटबॉल दे 3 दिन के अंदर। इस बार हमारे को ऑनलाइन काफी लोग रजिस्टर करवा रहे हैं तो आई थिंक मोर देन 40,000 के आसपास विजिटर्स आने की संभावना है। पेश है अहमदाबाद से अश्विन लिम्बाचिया की खास रिपोर्ट।